नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। बछवाड़ा थाना परिसर में पुलिस अपर निरीक्षक का विदाई सम्मान समारोह आयोजित किया गया। बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाना परिसर में कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अपर निरीक्षक की सेवा समाप्ति के अवसर पर विदाई का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विदाई सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ओम प्रकाश व अनुमंडल पुलिस निरीक्षक रामनिवास मौजूद थे। विदाई सम्मान समारोह में बछवाड़ा थाने में पदस्थापित बिहार सरकार के दो कर्तव्यनिष्ठ पुलिस पदाधिकारी पुलिस अपर निरीक्षक आनंदी सिंह और शशि भूषण सिंह की सेवा समाप्ति के उपरांत उन्हें सम्मान पूर्वक विदाई की गई। दोनों पदाधिकारियों को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ओम प्रकाश व अनुमंडल पुलिस निरीक्षक रामनिवास के द्वारा फूल माला चादर और अंगवस्त्र देकर विदाई दी गई। विदाई सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ओम प्रकाश ने कहा कि आज यह पल खुशी और गम दोनों का है। खुशी इस बात की कि हमारे दोनों सहकर्मी कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारी पुलिस की नौकरी करते हुए काजल की कोठरी से बेदाग सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और गम इस बात का कि ऐसे ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ काम के प्रति वफादार उनके सहकर्मी हमसे जुदा हो रहे हैं। लेकिन विधि का विधान है कि जो आए हैं उन्हें एक दिन जाना ही पड़ता है। सरकारी नियमानुसार जो कोई भी सरकारी सेवा में आया है उन्हें समय पूरा होने के बाद सेवा समाप्ति में जाना ही होता है। उन्होंने कहा कि इन दिनों सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के कार्यों के काम करने के तरीके से कार्यरत पुलिस कर्मियों को सीख लेनी चाहिए और उनके रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। मौके पर प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष अमरजीत सिंह, साहित्यकार कवि शैलेंद्र शर्मा त्यागी, मुखिया प्रतिनिधि मधुसूदन पासवान, रानी एक पंचायत के पूर्व उप सरपंच मधुशंकर कुंवर, विद्यासागर ब्रह्मचारी अरविंद कुमार सुमन, कन्हैया कुमार समेत थाना परिवार के सभी पदाधिकारी पुलिसकर्मी दर्जनों की संख्या में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि बुद्धिजीवी और समाज सेवी मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ओम प्रकाश ने की, जबकि संचालन थाना अध्यक्ष अजित कुमार के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मौजूद सभी आगत अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन बछवाड़ा थाना में कार्यरत SI वीरेंद्र कुमार गुप्ता ने किया। विदाई समारोह में सफल भी हो जाता आगे उस पीरियड सर्विस के प्रति कैसा कई भेजना है भेज दिए चले गए। यह नहीं कभी कहे कि सर हम थके हुए हैं या भी तुरंत आए, जो कि इनके डिपार्टमेंट के प्रति कृतज्ञ जो निष्ठा है वह उनको दर्शाता है। और सबसे बड़ी बात, जब हम 31 तारीख को जब यहाँ आए थे जिसने रिटायर कर रहे थे दोनों, इन दोनों को देखे कि दोनों काम में व्यस्त, नहीं लग रहा है कि आज इनको रिटायर करना है 12 बजे रात को रिटायर। हम पूछे कि आज शशि बाबू काम कर रहे हैं, अंधी बाबू कि सर 12 बजे रिटायर करेंगे ना, अभी तो जो काम हो तो कर लें। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इनमें कभी हम नहीं देखे कोई चीज में इनको संकोच हो, चाहे कहीं जाना हो रात हो दिन हो, हम लोग सासी बाबू के साथ में रात रात भर खड़ा रहे हैं, कभी नहीं हुआ कि हम थक गए हैं। जबकि इतने उम्र में 60 साल की उम्र में भी कभी नहीं कहे कि जो नया पदाधिकारी वो थक जाता है, लेकिन इन दोनों पदाधिकारी को हमने कभी नहीं देखे कि हम थके हुए। तो ये डिपार्टमेंट के प्रति ये कर्तव्य निष्ठा
दर्शाता है। साथ ही साथ आज मुझे मालूम चला कि इनके तीनों लड़के जॉब में हैं, शशि बाबू के बच्चे जॉब में है, ये दोनों निर्वाह किए हैं, डिपार्टमेंट में उसी तरह निर्वाह कर्तव्य निष्ठा से काम किए और परिवार के बीच होता है कर्तव्य निष्ठा से काम, जिससे आज यह हल इनको मिला। तो हमारे दोनों पदाधिकारी थे और इनके जाने का तो अफसोस है, लेकिन यह भी खुशी है कि डिपार्टमेंट से लोग कहता है कि डिपार्टमेंट से बढ़िया चले गए, तो लेकिन बहुत अच्छी बात है कि डिपार्टमेंट से ही बहुत अच्छे से चले गए, ये स्वस्थ रहते हुए निकल गए और जनता का इन्हें काफी प्रेम भी मिला है जो देखने से लगता है, और पहले भी हम लोग को फीडबैक मिलता था। कहीं भी जाम हो दोनों में से किन्हीं को भेज दीजिए, निश्चिंत हम हैं कि वहां पर जाम हटना है, थाना पाई से नहीं हटेगा, लेकिन आनंदी बाबू शशि बाबू चले गए तो वह जाम हटना है। और इन जाम कैसे हटाते हम भी सीखे हैं, कैसे पब्लिक को मोटिवेट करते थे, हम लोग भी इनसे बहुत कुछ सीखे हैं और हम अदर पदाधिकारी भी सीखे, इनके जो कार्यकलाप था उनसे सीखिए कैसे 60 साल उम्र तक कर्तव्यनिष्ठ रहे, और जो सब लोगों को सीखना चाहिए। और अब और कहीं इंगेज रहे, कुछ भी करें, यह नहीं कहते हैं कि उससे अर्न ही होगा, लेकिन सामाजिक काम में इंगेज रहें, कुछ इंगेज रहें, इससे ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। पुलिस वाला जब बैठ जाता ना है तो मथी नहीं हो सकता है कि नहीं हो सकता है इनके प्रति, तो ऐसे ही होना चाहिए, और कि पुलिस और पब्लिक के बीच जो सामंजस्य है, अब हम लोग को कम्युनिटी पुलिसिंग की जरूरत है, इसी से क्राइम कंट्रोल होगा, लॉ एंड ऑर्डर सुधरेगा। तो अन्य पदाधिकारी भी इन दोनों से सीखें और इसको इम्प्लीमेंट करें। धन्यवाद। इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।